हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की मैं नई रेमेडी लेकर आई हूं आप सभी के लिए। सबसे पहले मैंने बाउल में कस्तूरी हल्दी ली है। कस्तूरी हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, बहुत सारी एंटीसेप्टिक की, एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हल्दी के अंदर होते हैं। और कस्तूरी हल्दी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती चेहरे पे, बहुत ही मुलायम सी होती है और हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन को दूर करती है, दाग धब्बों को दूर करती है। इसका कोई भी कलर हमारी स्किन पे नहीं आता है। और कस्तूरी हल्दी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। घर में जो हल्दी होती है उसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसमें केमिकल्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। और आप अगर ये हल्दी नहीं लेना चाहते, मार्केट से आप कच्ची हल्दी खरीद सकते हैं। और सेकंड इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें लिया है बेसन। बेसन अच्छे स्क्रबर के रूप में काम करता है, एक्सफोलिएट करता है स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को रिड्यूस करता है, हमारे पोर्स को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी हल्दी और बेसन को कैसे हम यूज करके अपने चेहरे को रिपेयर कर सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं, तो आपको एक बाउल ले लेना है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक या दो चम्मच बेसन ले लेना है। मैं रेमेडीज़ यूज़ करती रहती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा बेसन ही इसमें ऐड करने वाली हूँ। बेसन में प्रोटीन है और हमारी स्किन और हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए हमारी स्किन के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव और फेयर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इसमें कुछ पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर रही हूँ। ये हल्दी बहुत ही अच्छी और हेल्दी और ग्लोइंग है, हमारी स्किन को रिवर्स कर देती है, हमारी स्किन को रिपेयर कर देती है और हमारी स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं आता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हमारे चेहरे से दाग धब्बों को रिड्यूस कर देती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम ऐड करेंगे इसमें हनी। इजीली घर पे अवेलेबल होता है, आपको इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लेना है। एक गुड मॉइस्चराइज़र एजेंट के रूप में हमारी स्किन पे काम करता है, हमारी पोर्स को क्लीन करता है, हमारे चेहरे के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर देता है और हमारे चेहरे में एक नई जान डालने का काम करता है हनी। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने ये गुलाब जल घर पे ही बनाया है, बिल्कुल प्योर है, ये ओरिजिनल है। और गुलाब की पत्तियों को मैंने हल्के फ्लेम पे पानी में बॉईल कर लिया था और ये गुलाब जल बनके रेडी हो चुका था। फ्रेंड्स, मैंने इसको स्टोर करके रखा हुआ, इसी को मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास गुलाब नहीं है तो आप गुलाबारी का जो भी ऑनलाइन आप खरीदते हैं वो गुलाब जल आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास गुलाब का कोई पौधा है तो गुलाब की पंखुड़ियों को आप बॉईल करके पानी में नेचुरल मेरे जैसे ही आप गुलाब जल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गुलाब जल को यूज़ करके देखना, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं गुलाब जल के अंदर, हमारे पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने की पावर है। और ये नेचुरल अगर यूज़ करेंगे आप तो आपके चेहरे पर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट 100% मिलता है इसका। फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये रेमेडी आपके साथ शेयर की है। थोड़ा सा गुलाब जल आप इसमें और ऐड कर लेना। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो आप यूज़ करते हैं पहले उसी को यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वाला जो गुलाब जल होता है। अच्छे से मिक्स करके आप इसको अच्छा पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को यूज़ करके देखना, लगातार 3 डेज लगातार यूज़ कीजिए, आपके चेहरे पर रिजल्ट खुद मिलेगा, आपकी चेहरा ग्लोइंग हो जाएगा, दाग धब्बे भी रिड्यूस हो जाते हैं इससे और पोर्स क्लीन होके हमारे पोर्स की गंदगी निकल जाती है और हमारे चेहरे की स्किन टाइट भी होती है और स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट हमारी स्किन बन जाती है। पेस्ट बनके तैयार हो चुका था और ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर देता है और जो भी झाइयाँ हैं, झुरियाँ हैं, रिंकल्स हैं उनको भी रिड्यूस कर देता है। फ्रेंड्स, हमारे चेहरे पे जब अनइवन टोन हो जाता है होठों के आसपास या नोज के आसपास, जो स्किन पे कालापन है उसको धीरे धीरे ये रिड्यूस कर देता है। फ्रेंड्स, ये गुलाबारी का गुलाब जल है, अगर आपके पास ओरिजिनल या नहीं है तो ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसके भी उतने ही बेनिफिट मिलेंगे आपको। लेकिन मैंने ये नेचुरल वाला यूज़ करके देखा तो इसके बेनिफिट कुछ और ही ज़्यादा मिले। तो ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका था, जिसको हमें अपने चेहरे पे अप्लाई करना है अच्छे से 20 या 25 मिनट के लिए। आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने अपने हाथ पे इसको अप्लाई किया था, क्योंकि हाथों पर भी जब हम काम करते हैं तो एक टैनिंग आ जाती है, एक काम करते हैं तो उसकी गंदगी की जो भी है लेयर आ जाती है। हाथों की भी केयर ज़रूरी है और हमारे चेहरे की भी। मैंने अच्छा गाढ़ा पेस्ट अपने हाथ पर लगा लिया था 1-2 मिनट के लिए। कुछ सेकंड के लिए आपको अपने फेस पर हल्की हाथों से स्क्रब करना है, मसाज करनी है और उसके बाद आपको 20-25 मिनट के लिए इसको आप
छोड़ सकती हैं, जिससे कि ये जो रेमेडी है हमारे चेहरे पे अच्छे से इफ़ेक्ट डाल सके, काम कर सके। तो उसके बाद ही आपको अपना फेस नॉर्मल पानी से धो लेना है। 20-25 मिनट मुझे हो गए थे और ये बिल्कुल शाइनी सा पेस्ट नज़र आ रहा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपने हाथ को गीला किया और गीला करने के बाद मैंने कुछ देर फिर से इसको रगड़ा ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है अच्छा देखने को मिले और हमारी स्किन की जो डेड लेयर्स हैं वो उतर जाए। उसके बाद गुनगुने पानी से मैंने अपने हाथ को धो लिया और फ्रेंड्स ग्लो देखने वाला था। सच में ये बहुत ही इंस्टेंट ग्लो देने वाली रेमेडी है और आप इसको वीकली 3 बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर 3 दिन यूज करना और फिर अपने चेहरे पर आप इफ़ेक्ट देखना इस रेमेडी का। बहुत स्किन ग्लोइंग और सॉफ्ट हो जाती है और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको अच्छा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे ज़रूर अप्लाई करना। उससे हमारी स्किन डबल ग्लोइंग और हेल्दी नज़र आने लग जाती है। इस पेस्ट को आप वीकली ज़रूर यूज़ कीजिए। ऐसे ही हेल्दी रेमेडी के साथ मैं फिर आती हूँ। थैंक्स।